दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानी ब्रेन कुछ इस तरह से डिजाइन है कि इसकी क्षमता को कुछ बड़ी ही सिंपल सी एक्सरसाइजेस से कई गुना बढ़ाया जा सकता है, जिनके डेली प्रैक्टिस से ब्रेन कई गुना तेज हो जाता है और फोकस करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेन एक्सरसाइजेस के बारे में, जो न केवल स्टूडेंट्स बल्कि किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही काम आने वाली हैं। तो बिना स्किप किए पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, क्लेंचिंग योर फिस्ट। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव टेक्निक है। 2013 मॉन्टिक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट में पाया कि यदि 90 सेकंड तक आप अपने राइट हैंड की मुट्ठी बनाते हैं तो उससे आपकी याददाश्त तेज होती है, आपकी मेमोरी अच्छी बनती है, और यदि आप अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाते हैं तो उससे आपको याद किया हुआ रिकॉल करने में हेल्प मिलती है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान 50 लोगों को नए शब्दों की एक लंबी सी लिस्ट याद करने के लिए दी गई, और रिजल्ट्स में ये पाया कि जिन लोगों को मुट्ठी बंद करके याद करने और रिकॉल करने के लिए कहा गया था, उनके परिणाम अन्य लोगों से बेहतर रहे। शोधकर्ताओं का मानना है कि मुट्ठी बनाने से ब्रेन के कुछ विशेष एरिया जो मेमोरी को प्रोसेस करते हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे याद करने और रिकॉल करने दोनों में मदद मिलती है। नंबर 2, स्विच हैंड्स ड्यूरिंग मॉर्निंग एक्टिविटीज। दोस्तों, दुनिया में लगभग 90% लोग राइट हैंडेड हैं और लगभग 9% लेफ्ट हैंडेड, और इस दुनिया में 1% से भी कम लोग हैं जो दोनों हाथों से बराबर काम ले सकते हैं। और यदि आप उन 1% में नहीं आते तो आपको हर सुबह अपने कुछ काम उस हाथ से करने हैं जिसे आप ज्यादा यूज नहीं करते। यानी कि यदि आप राइट हैंडेड हैं तो हर सुबह ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, मोबाइल यूज करना, कंप्यूटर माउस पकड़ना जैसे कुछ काम हर सुबह लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करें, और यदि आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो ये कोशिश राइट हैंड से करें। ऐसा करके आप हर सुबह अपने ब्रेन को एक चैलेंज देंगे, जिससे आपका फोकस और बैलेंस बेहतर होगा, और ऐसा करने से ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस मजबूत बनेंगे और नए ब्रेन सेल पैदा होंगे, जिससे आपका दिमाग तेज बनेगा। ब्रेन के लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम में एक्सरसाइज कर आप अपने मसल्स बनाते हैं। शुरुआत में ये काफी मुश्किल लग सकता है, और ये भी हो सकता है कि उल्टे हाथ से ब्रश करने के दौरान आपका हाथ कम और सर ज्यादा हिले, लेकिन धीरे धीरे ये आसान लगने लगेगा। नंबर 3, डेली फॉर ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज। दोस्तों, इस टेक्निक में आपको हर दिन मिलने वाले लोगों में से किसी एक व्यक्ति की कोई सी भी 4 चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, और जिसे बाद में घर पर रिकॉल करना है, याद करना है कि आपने कौन सी 4 चीजें नोटिस की थी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं या आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति की कोई सी भी 4 चीजें ऑब्जर्व करें, जैसे उसके गॉगल्स, उसका कैमरा, उसका हेयर स्टाइल, उसकी टी शर्ट का कलर जैसी छोटी छोटी डिटेल्स को, और बाद में घर पर उसे रिकॉल करें और देखें कि आपको वो सब याद है। दोस्तों, बाद में आप 4 से ज्यादा डिटेल याद करने की कोशिश करें, और लोगों की संख्या 1 से 2 और 2 से 3 करते हुए बढ़ाते जाएं, और बाद में लोगों की जगह आप दूसरी चीजों को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम हर दिन अपने आसपास बहुत कुछ देखते हुए भी ज्यादातर चीजों को दिमाग में रजिस्टर नहीं करते। इस तरह डेली फॉर ऑब्जर्वेशंस गेम से एक तो आपकी मेमोरी शार्प होगी, और दूसरा आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बनेंगे और सोशली ज्यादा अवेयर भी रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी दिमाग को तेज और बेहतर बनाने के लिए वो 3 एक्सरसाइजेस, जिन्हें यदि आप अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें तो आपका दिमाग कई गुना तेज हो जाएगा और फोकस भी बढ़ेगा। आपको इनमें से कौन सी एक्सरसाइज सबसे चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग लगी, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।